मुस्लिम प्रोफेशनल्स, आज का ये यूनिटी जॉब फेयर योम आज़ादी की को आज़ादी इंडिया की आज़ादी को सेलिब्रेट करने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। ये जॉब फेयर जो है अलग अलग मज़हब की मानने वाली अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें ख़ास तौर पर माहिम दरगाह, हाजी अली दरगाह और बॉम्बे कैथोलिक सभा और कुछ हमारे यहाँ के जो टेम्पल्स हैं उनके नुमाइंदे, कुछ बौद्ध ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग, और एक वीहम बोल के ऑर्गेनाइजेशन है हमारी जो मल्टी फेथ ऑर्गेनाइजेशन है वो, और ख़ास तौर पर दिल्ली की जो हमदर्द यूनिवर्सिटी है और जो बीईबी है बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, उनके साथ मिलकर एएमपी ने आज का ये जॉब फेयर बॉम्बे में ऑर्गेनाइज़ किया है। माशाल्लाह आप सब लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त रेस्पॉन्स है, बच्चे सुबह 10 बजे से यहाँ पर आ गए हैं, अब तक तकरीबन जो है 1000 से ज़्यादा बच्चे जॉब फेयर में शिरकत कर चुके हैं। मुझे लगता है शाम ख़त्म होने तक जो है 2 से 2500 बच्चे जो है इस जॉब फेयर का फ़ायदा उठाएंगे। इसमें कम से कम जो है 80 से ज़्यादा कंपनीज मौजूद है इस वक्त यहाँ पर, और तकरीबन 10 बड़े बड़े ट्रेनिंग पार्टनर्स जो होते हैं, स्किल ट्रेनिंग पार्टनर्स, जैसे टाटा है, टेक महिंद्रा है, कोटक है, इस तरह के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रोग्राम का इनॉग्रेशन जो है फादर मेस्क्रेनस के हाथों से हुआ, जो सेंट जेवियर्स के प्रिंसिपल रह चुके हैं, बहुत रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी हैं बॉम्बे के। साजिद अहमद साहब हैं जो हमदर्द नेशनल फाउंडेशन के सीईओ हैं, खासतौर पर दिल्ली से बम्बई आए थे। हमारे मुफ्ती शौकत साहब हैं जो ओएसडी हैं हमदर्द ग्रुप के, माशाल्लाह इन सभी लोगों के हाथों से ये आज इनॉग्रेशन हुआ, और बच्चों में बहुत खुशी है। इस तरह का जॉब फेयर हम पूरे हिंदुस्तान में ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं, हमदर्द के साथ भी मिलकर करते हैं, माहिम दरगाह के साथ हर साल जो है इस तरह का यूनिटी जॉब फेयर करते हैं। यूनिटी जॉब फेयर का मकसद है कि लोगों के बीच जो है भाईचारा जो है बढ़ाया जाए, लोगों के बीच में जो है ब्रदरहुड, पीस है ना, हारमोनी को फ़रोग दिया जाए। इसलिए ख़ास तौर पर अगस्त के महीने में 15 अगस्त के नज़दीक ये जॉब फेयर हम लोग करते हैं। अब कोशिश करेंगे कि यूनिटी जॉब फेयर जो है इसको भी मुल्क के कोने कोने में लेकर हम जाएं, ना सिर्फ बम्बई में, 2 साल से हम बम्बई में कर रहे हैं, अब इसके बाद कोशिश करेंगे कि बम्बई के बाहर भी ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करें। सर, अब तक कितने लोगों को यहाँ पर अभी नंबर तो फिलहाल क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है तो नंबर हम लोगों के पास 5 बजे तक आएगा, तब आप लोगों को बता पाएंगे, लेकिन 30% के करीब, 30 से 35% का कन्वर्जन होता है हर जॉब फेयर में। तो अगर 2000 बच्चे भी अटेंड करते हैं जॉब फेयर डे एंड तक, तो तकरीबन 600 के करीब जो है बच्चों को जॉब लगेगी इंशाल्लाह। और जिस हिसाब से कंपनीज आई, अभी हम लोग जब कंपनीज़ को विजिट कर रहे थे तो माशाल्लाह उनका सिलेक्शन की जो लिस्ट है उसमें बड़े सारे नाम नंबर्स लिखे हुए आप सब लोगों ने देखे, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि इसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा होगा। बहुत सारे बच्चों से मैं पर्सनली भी मिला तो बहुत हाई क्वालिटी के बच्चे यहाँ आए हुए हैं। एक बच्ची से मैं बात करता, शी इज़ डेटा साइंटिस्ट, मतलब वो ऑलरेडी शी इज़ एक्सपीरियंस, तो उनको हमने एक कंपनी के साथ भी मैंने पर्सनली कनेक्ट कराया। तो इस तरह के बच्चे हैं, माशाल्लाह क्वालिटी क्राउड है, बच्चों को जॉब लगेगा इंशाल्लाह काफ़ी सारा। ये मुंबई के अलावा पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी किया जाएगा ऐसा जॉब फेयर? ऐसा ये हमारा तकरीबन जो है अब तक जो है 88 या 89 जॉब फेयर हम लोग पूरे इंडिया में कर चुके हैं अलग अलग पार्टनर्स के जरिए, तो ये शायद 88th या 89th जॉब फेयर हमारा ये चल रहा है। ये ऑलरेडी पूरे इंडिया में चलता है। अब अगले हफ्ते जो है हम लोग बैंगलोर में कर रहे हैं प्रेस्टीज इंस्टीट्यूशन के साथ में, उसके अगले हफ्ते जो है हैदराबाद में कर रहे हैं, उसके बाद देन राजस्थान प्लान्ड है, यानी अगले 3 महीने के लिए हर वीकेंड हम लोगों का ब्लॉक है कि कहीं ना कहीं मुल्क भर में ये इस तरह के जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। सर, मेरा नाम शौकत मुफ्ती है, मैं दिल्ली से आया हूँ। आई एम द फाउंडर मेंबर ऑफ जामिया हमदर्द, एंड हकीम अब्दुल हमीद साहब ने एक बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो 50 साल पहले बनाया था, उसका मैं एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हूँ, और हमदर्द नेशनल फाउंडेशन हेगा का मैं OSD हूँ। सर, आज ये जो यूनिटी जॉब फेयर का आयोजन किया गया है, आपने सबसे मुलाकात की, किस तरह का अनुभव रहा और क्या कहना चाहेंगे इस तरह के आयोजन और होने चाहिए? इट्स ए वंडरफुल, हम कोलैबोरेशन से फॉर द लास्ट ऑफ 5 ईयर्स AMP से मिलके हम काम कर रहे हैं, क्योंकि द फर्स्ट टाइम वी हैव स्पॉन्सर्ड दिस प्रोग्राम जॉब यूनिटी जॉब फेयर इन मुंबई आल्सो। फॉर द लास्ट ऑफ 5 ईयर्स हम लोग जो है बराबर काम कर रहे हैं AMP के साथ मिलके, फ्रॉम अनस्किल्ड से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल सारी जॉब्स आती हैं। और हमारे यहाँ तो 12,000 तक के लोग आए हैं, वी गॉट रजिस्टर्ड, और उसके बाद स्क्रीन जो भी एक सिस्टम होता है, सिस्टम के तहत जो है हमने जो है जॉब फेयर्स किए, और हज़ारों लोगों को दिल्ली एंड एट अराउंड बहुत से लोग आए,
फ्री रजिस्ट्रेशन था और हजारों हजारों लोगों को हम लोगों ने जॉब दी। तो कंपनीज बहुत रिप्यूटेड आती हैं, आप ये समझिए राइट, हर तरह की, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो सेल्स में हो, चाहे वो मार्केटिंग में हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे किसी भी तरह की जॉब्स जो होती हैं वो हम लोग दिलाने में बच्चों को मदद करते हैं। तो इसी ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए हम मुंबई आए हैं और मुंबई में भी ये जो अपनी बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो है, जो कि 50 साल पहले हकीम अब्दुल हमीद साहब ने, जो कि फाउंडर चांसलर ऑफ जामिया हमदर्द थे, उन्होंने बनाई थी, और यकीन मानिए जो 50 साल पहले उन्होंने सोचा था वो हम आज सोच रहे हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है 50 साल से बराबर काम कर रही है, इसका मकसद जो है वो जो वीकर सेक्शन है, जो पसमंदा लोग हैं, उनकी मदद करना, झोपड़ी झुग्गी से लोगों को लाना, परसू करना और बाकायदा उनको एजुकेट करना और उनको जॉब दिलाने में मदद करना। तो ये हमारा मोटो है। अभी बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो एक सिंगल कंपनी से मिलके जो है उसने स्किल सिलाई सेंटर खोला है, फ्री हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, डिप्लोमा जो है 6 मंथ्स का है और सर्टिफिकेट कोर्स उसका 3 मंथ्स का है, और उनको ई बिजनेस से हम जोड़ रहे हैं और फ्री ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। जो लेडीज़ घरों में रहती थी उनको हमने बुलाया और बुला के बात की, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए हमने कंप्यूटर भी 25 कंप्यूटर हमने लगवा दिए, बेसिक कंप्यूटर भी हम कराएंगे। अब हम एक और इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं, हम ब्यूटिशियन का कोर्स उन सब को कराएंगे। तो ये हमारा जो है मकसद है, और जो भी उससे अगर थोड़ी बहुत आमदनी होती है या ई बिजनेस से हम जुड़ते हैं तो वो पैसा उनको बांट दिया जाएगा। जो नीडी एंड पुअर लेडीज़ हैं उनको हम सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाह रहे हैं, तो ये हमारा है। इसके अलावा बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो फोरेंसिक साइंस, फोरेंसिक नर्सिंग, दिल्ली पुलिस से मिलके, दिल्ली गवर्नमेंट से मिलके और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से मिलके, तो हम ये सारी ट्रेनिंग जो हैं उन लोगों को जामिया हमदर्द कैंपस में हम चला रहे हैं। साथ में अभी हमने नीट कोचिंग स्टार्ट की, जो पुअर एंड नीडी लोगों के लिए एक ड्राइव चलाया कि जिनके पेरेंट्स लाखों रुपए कोचिंग के नहीं दे सकते हैं, वो बहुत ही मामूली पैसों में हम उनसे, ताकि उनको ये महसूस ना हो कि ये हम फ्री का कोर्स ऐसे ही है, उनको हम स्टडी मटेरियल हमने दिया। हमारी क्लासेस 1 अगस्त से शुरू हो चुकी है कोचिंग की, और बड़ी मेहनत से, और उसमें जो लोग आए हैं वो 80-90% 10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में जो है वो लेके आए हैं मार्क्स, उसमें लेडीज़ भी हैं। और ये सारे प्रोग्राम विदाउट कास्ट ग्रीड एंड रिलीजन हम सब के लिए कर रहे हैं, हमदर्द है, ये हमदर्द सबका है, ये आपका भी है, ये हमारा भी है, ये हर हिंदुस्तान का है, और इसको बने हुए तकरीबन 130 साल हो चुके हैं। हमने बहुत से इंस्टीट्यूशन बनाए हैं, बहुत से हमने स्कूल्स बनाए हैं, बहुत से हमने कॉलेज बनाए हैं, और अब हम दिल्ली से बाहर निकल के मुंबई में भी कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं। AMP के कोलैबोरेशन से हम इंशाल्लाह यहाँ भी बहुत सी चीज़ें आने वाले दिनों में हम स्टार्ट करेंगे, मुंबई के लोगों के पास हम पहुँचेंगे और उनके वेलफेयर के लिए हम काम करेंगे। इन द मीन टाइम हमदर्द नेशनल फाउंडेशन, हम विडो पेंशन देते हैं हज़ारों को, हम करोड़ से ऊपर जो है स्कॉलरशिप देते हैं, हकीम अब्दुल हमीद मेरिट का स्कॉलरशिप हम देते हैं लोगों को, और इसके अलावा हम जाड़ों में हम फ्री जो है कंबल बांटते हैं। दिल्ली पुलिस हमारे साथ रहती है, हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साथ रहता है, हमारे साथ मिनिस्ट्री साथ रहती है, हमारे दिल्ली मॉनिटरिंग कमीशन साथ रहता है, हमारे लिए बहुत से और इंस्टीट्यूशन हैं, सारे हम लोग साथ में मिलकर ये सब काम करते हैं। तो ये हमारा मोटो है। आज हम मुंबई में हैं और हमें देख के बड़ी खुशी हुई कि जिस तरीके से हम डिफरेंट काउंटर्स पे गए, हमने जो है लोगों से पूछा, बड़ी अच्छी अच्छी जॉब्स लोगों के पास, लोग कहते हैं कि जॉब नहीं है, हम कहते हैं यहाँ आओ AMP, आओ
आप जो है बिजनेस इंप्लॉयमेंट ब्यूरो आओ, हम आपकी मदद करेंगे, और जब मदद होगी तो ऊपर वाले की मदद होगी, जब ऊपर वाले की मदद होगी तो हिंदुस्तान से रोज़गारी जो है बेरोज़गारी वो चली जाएगी और हर एक आदमी को रोज़गार मिलेगा, ये हमारा मकसद। जो हम लोग दिल्ली से आए हैं और बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो हकीम साहब ने बनाई, हकीम अब्दुल हमीद साहब ने, और उस तहत से हम लोग यहाँ पे आए और जामिया जिसका जो लोग आम लोग हैं वो रूह अफ़ज़ा और जामिया हमदर्द जो लोग जानते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस में एक है। हम लोगों का काम जो है वो लोगों को स्किल ओरिएंटेड ट्रेनिंग देना और जॉब दिलाना है, ये काम हम लोग 72 से कर रहे हैं, 1972 से। अब यहाँ पे आने का मकसद है कि जो हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं अपना दायरा और उस दायरे में और ऑर्गेनाइजेशंस को जोड़ते चले जा रहे हैं, और हमने AMP को जोड़ा अपने साथ, और AMP जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, उनके कोलैबोरेशन में हम लोग इस जॉब फेयर को प्रमोट कर रहे हैं और अपना योगदान इसमें दे रहे हैं। लोगों में आजकल सबसे ज़्यादा जो वो है प्रॉब्लम नौजवानों के साथ वो जॉब की और एम्प्लॉयमेंट की है, तो वो कभी हम पूरी कर रहे हैं दोनों तरह से, एक तो हम जो कंपनीज हैं उनसे बात करके जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो लेके उनके पास आ रहे हैं, और उन अपॉर्चुनिटीज़ के ज़रिए वो लोग नौकरी हाथ के हाथ पा सकते हैं। जो लोग नहीं पा पाते उनके लिए हमने स्पेशल प्रोग्राम चलाते हैं और उनको शॉर्ट टर्म कोर्सेज से उनको हम स्किल देते हैं, और उन स्किल्स के ज़रिए फिर दोबारा से उनको इस लायक बनाते हैं कि वो जॉब मार्केट में पूरी तरह आ पाएँ। तो दोनों काम पूरा करते हैं, जो एजुकेशन से जो डायरेक्टली जॉब मिल सकते हैं उनको हम लोग जॉब फेयर और जॉब ड्राइव्स के ज़रिए देते हैं, और जो लोग इतने स्किल्ड नहीं है, जो मॉडर्न स्किल के चांसेस अभी हिंदुस्तान में मौजूद हैं उस लायक, तो हम लोग उनको स्किल्स भी देते हैं, और ये सब काम बग़ैर किसी कास्ट क्रीड रिलीजन इन सब से ऊपर उठ के होता है, जिसमें हम हर तरह के आदमी को, हम हिंदुस्तान को एक ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं उसमें अपना योगदान करना चाहते हैं और उसको उस पूरे प्रोसेस में हिस्सेदार बनना चाहते हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें हमारे BEB से और इन जॉब फेयर से, और अपना जो नए ज़माने की स्किल्स हैं उनको अडॉप्ट करें और उनको उनसे ट्रेनिंग लेके वो आगे बढ़ने की कोशिश। थैंक यू। ये कोई पहला जॉब फेयर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल कम से कम मुंबई में 2-3 कराते हैं आमिर भाई, और बहुत लड़कों को उससे बच्चों को काफ़ी फ़ायदा होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो आमिर भाई जिस हिसाब से कर रहे हैं मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे एक जॉब फेयर लगा हुआ है चारों तरफ जो है, लखनऊ से लेके दिल्ली से लेके, अभी शौकत मुफ्ती साहब का साथ मिल गया है, तो इंशाल्लाह और भी बहुत चांसेस हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे होंगी जी। मैं AMP को मुबारकबाद देता हूँ कि वे इस तरह के यूटी जॉब फेयर्स ये वो कर रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो और हमदर्द नेशनल फाउंडेशन पहली मरतबा साथ आया है, और हम डिफरेंट काउंटर्स पे गए और हमने एक सिलेक्शन की लिस्ट डिफरेंट कंपनीज की देखी जो कि हमारे पास अभी नहीं आई है, वो आ जाएगी 4:30 बजे तक, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अच्छे खासे तादाद तो मैं अभी नहीं बता सकता लेकिन अच्छा खासा रिक्रूटमेंट होगा, और ये हर तरह की जॉब्स हैं, ग्रेजुएट नॉन ग्रेजुएट से लेके ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट तक, तो इस तरह के यूनिटी जॉब फेयर्स हर जगह हर सिटी में होने चाहिए, अगर ये हो गया तो इस देश से बिल्कुल तो नहीं ख़त्म होगी अनएम्प्लॉयमेंट लेकिन ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी, ये हम सब
किसी पर्टिकुलर उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम ये सब देश के लिए काम कर रहे हैं। ये मुल्क से बेरोजगारी चली जाए ये हम लोगों का सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा, और इसमें आप लोगों का रोल आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा है। हम आप सबको मुबारकबाद देते हैं। उसकी मदद से जो है ख़ास तौर पर इस किस्म के जॉब फेयर किए जाते हैं, जिसके नतीजे में जो मायूस तलबा हैं या जो मायूस वालिदैन हैं कि जिनके बच्चों को पढ़ लिख कर काफ़ी मेहनत, काफ़ी साल और काफ़ी पैसा खर्च करने के बाद भी जॉब नहीं मिलती है, ऐसे लोगों को जब एनजीओ की मदद से ऐसे प्रोग्राम होते हैं, और एएमपी माजी में भी इस किस्म के कई जॉब फेयर करती चली आ रही है और आज का भी जॉब फेयर जो है उसकी एक कड़ी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के जॉब फेयर से भी जो है काफ़ी उन बच्चों को जो है अब उनके करियर पे तालीम हासिल करने के बाद आज कोई अहम मुकाम पर जो है उनको इस रोज़गार मेले से जो है जॉब का मौका फराहम होगा। ये जॉब फेयर इसके लिए सबसे पहले तो एएमपी के जो अध्यक्ष हैं जनाब आबिद इदरीसी साहब, फारूक साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये वक्त की ज़रूरत भी थी और इस तरह का एएमपी ने पहले भी प्रोग्राम, जैसे फरीद खान साहब ने कहा कि एएमपी ने इस तरह के प्रोग्राम पहले भी कई कर चुके हैं, तो मैं उनके तमाम मेम्बर्स को, तमाम पोस्ट होल्डर को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वह आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम मुनक़द करेंगे। और माहिम दरगाह के चेस्टी मखदूम माहिम चैरिटेबल ट्रस्ट भी इसमें शामिल है, उनके इश्तराक से भी ये प्रोग्राम हो रहा है। मैं जनाब सुहेल खंडवाली साहब को, उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छे काम के लिए अच्छी पहल की है, और इस सब मुबारकबाद की मुस्तहक है। और मुझे उम्मीद है जिस तरह यहाँ तलबा व तालिबात का इज्तिहाम मैं देख रहा हूँ जॉब फेयर के इस प्रोग्राम में, मैं समझता हूँ कि बड़ी तादाद में लोगों को जॉब मिलेगा इंशाल्लाह। हर माँ बाप अपना बच्चों के लिए एक सपना सोचता है कि मेरा बच्चा आगे फ्यूचर में कामयाब बने, तो ये प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जो अच्छी कंपनीज़ के लिए, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बच्चों को एक रेडीमेड दिया जा रहा है, जो बच्चे लोग बहुत मुशक्क़त करके ये वो कंपनीज़ हासिल करते हैं। हमको एक तो गाइडेंस करने वाला नहीं होता है कहाँ जावें, लोग किधर अप्रोच करें। टैलेंट खूब है माशाल्लाह, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हैं टैलेंट खूब है, बट दे डोंट नो हाउ टू अप्रोच एंड वेयर टू अप्रोच। तो दे आर गिविंग द रेडीमेड प्लेटफॉर्म्स क्या डायरेक्ट उनको कंपनीज यहाँ से अब्जॉर्व कर रही है, और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा काम हो रहा है, और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ये ऐसे काम होते रहे, जॉब फेयर लगते रहे। थैंक यू वेरी मच।
That is what I found was very special here. There are companies through their CSR who are giving free training, technical training. After the background of the degree, they get a technical training for a particular type of applied job. So this is fantastic because the despair students are in not getting a job even after graduating. That is something very real. And here they have options. So I do think there's a great possibility of these students and these young professionals going further in life and a great sense of hope for them. Thank you so much. अभी हमारे साथ हैं डॉल्फी डिसूजा साहब, ये बॉम्बे कैथलिक सभा के प्रेसिडेंट हैं और ये हमारे साथ जॉब फेयर में जुड़े हुए हैं। हमने साथ में मिलके इनके सपोर्ट के साथ जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किया है। सो ओवर टू यू डॉल्फी साहब। सर क्या कहना चाहेंगे, यूनिटी जॉब फेयर का आयोजन किया गया है, कितना जरूरी है, इस सारे कार्यक्रम आयोजित? एक तो नाम ही यूनिटी, देश भर हमें यूनिटी चाहिए और ख़ास करके जो अनएम्प्लॉयमेंट की करंट स्थिति है जहाँ यंग लोग बेरोज़गार हैं। एसोसिएशन फॉर मुस्लिम प्रोफेशनल्स का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस शानदार कार्यक्रम का, जॉब फेयर का आयोजन किया और पहली बार हमें खुशी होती है कि बॉम्बे कैथलिक सभा उनके पार्टनर रहे हैं और ये आशा रखते हैं कि आगे भी ऐसे जॉब फेयर अलग अलग जगह पे ऑर्गेनाइज करेंगे। और खास करके आपने देखा है कि माहौल इस हॉल में एक आशा का माहौल है युवक पीढ़ी में कि किसी ने भी एक शुरुआत की है कि जो गवर्नमेंट करनी चाहिए थी वो सिविल सोसाइटी एंड अदर ग्रुप्स एक रीच आउट कर रहे हैं एक होप देने के लिए बच्चों को इन टर्म्स ऑफ जॉब्स। एक उम्मीद लगता है आपको यूथ के अंदर आएगी अगर इस तरह के और कार्यक्रम होंगे तो आगे, क्या इस तरह से क्राउड यहाँ पर दिख रहा है, बट ऑब्वियस है कि जॉब की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। बात यही है कि अगर युवक पीढ़ी से अगर हमें जुड़ना है तो पहले उनके समस्या के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। अगर हम कुछ मदद कर सकते हैं इस जॉब फेयर के थ्रू और ये होने वाला है तो मैं मानता हूँ कि बाकी जो हमको कार्यक्रम करने हैं बाद में युवक पीढ़ी के साथ वो ज़रूर उसमें जुड़ जाएंगे। Myself Mariam Master and I resided Mumbai city and as a fresher I got two opportunities over here. One is for HR executive and one is for sales executive which is Yangzhou Industry, their education council. Yeah. I think as a fresher if I am getting opportunities over here to work so I have to grab it for myself and if they are providing opportunities for fresher it's a really good thing for us because I think many other companies they don't provide anything for freshers. If you are in job fair and getting opportunities so it's really good for me and for others too who are searching for job. करण है और मैंने अभी अभी विवेकानंद कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है, मई में अभी मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ और माय फादर हैज़ अ स्मॉल शॉप इन टाउन ड्राई फ्रूट्स और उसका उमर खाड़ी में एंड उनके ही एक दोस्त है जिन्होंने मुझे इस जॉब फेयर के बारे में बताया एंड आई रजिस्टर्ड फॉर इट एंड आई एम ग्लैड आई केम एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम अपियरिंग फॉर इंटरव्यू इज और थिंग एंड माई फर्स्ट इंटरव्यू टच वुड the first interview I gave, I got the job offer from there only. So yeah, I'm looking forward to have an experience in the corporate world. ये एच आर का जॉब मिला है FFG वाला, इट्स एन ओवरसीज कंपनी एंड पहले 3 महीने ट्रेनिंग देंगे उसके बाद मैं प्रॉब्लम स्टार्ट करूँगी। थैंक यू सर।
ऑल द बेस्ट।